आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आपका बात करेंगे एग्री कॉमोडिटी की और इस पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रूपा जी बात करते हैं एग्री कॉमोडिटी की। इसमें शुरुआत करते हैं कैस्टर सीड से। कैस्टर सीड की बात करें तो आज ये 7,270 रुपए कारोबार करता दिखा है और इसमें 104 रुपए की जो गिरावट देखने को मिली है। तो कैस्टर सीड में आज गिरावट देखने को मिली है, तो आपको क्या लगता है कैस्टर सीड का बाजार आगे कैसे देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर कैस्टर सीड की बात करें तो ये गिरावट कंटिन्यूशन में रह सकती है। मैंने पहले भी बताया था कि कैस्टर सीड में प्रेशर जो है वो बन सकता है और 7,000 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट करें कि नीचे में एक बार जा सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी वो लेवल एक्सपेक्टेड है। अगस्त में वायदा में वो गिरावट बढ़ सकती है, तो वहां पर सेलिंग की रणनीति बनाकर चला जा सकता है जी। वही कॉटन ऑयल सीड केक में बात करें तो ये इसमें भी आज गिरावट देखने को मिली है। ये भी आज 2602 रुपए में ट्रेड करता दिखा हुआ है। इसमें लगभग 21 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। तो कॉटन ऑयल सीड केक का जो बाजार है ये क्या आगे उठ सकता है या ये गिरावट जारी रहेगी? लेवल्स दिए हुए थे कि नीचे में 2400 से लेकर 2000 तक का स्तर भी संभव है कि देखने को मिल सकता है, और अभी जो अपसाइड था वो 2700 तक था मैक्सिमम, और अभी हम वहां से 2600 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा और आज फिर से हम उसमें गिरावट बनती हुई देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट बेसिस पर यहाँ पर 2500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सुपर जी, ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करें तो दोनों ही कॉमोडिटी में आज गिरावट देखने को मिली है। ग्वार गम 9,510 पर ट्रेड करता दिखा है, वहीं ग्वार सीड 5,000 के लगभग ये कारोबार करता दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों कॉमोडिटी में भी जो गिरावट है वो ऐसे ही आगे जारी रहेगी? जो है ग्वार के अंदर भी ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी फिलहाल यहाँ से अब गिरावट नहीं है, बाजार संभलते हुए नजर आ सकते हैं। छुटमुट गिरावट बनी रह सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी फिलहाल गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार अगेन से बाइंग बन सकती है। नीचे में एक बार 9400 तक गम जो है वो लुढ़क सकता है, और वही सीड जो है वो 5,000 के आसपास या 4980 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी, अगर मसालों की बात करें तो मसालों के जो बाजार है उसमें धनिया की बात करें तो ये 11,996 पर कारोबार करता दिखाई दिया, इसमें 46 रुपए की गिरावट भी आई है। तो मसालों के बाजार में भी आज लगभग सभी मसालों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मसालों का बाजार है, जैसे कि आपने कल भी बताया था कि मसालों में आगे बिकवालिया ट्रेड करके चला जा सकता है, तो क्या लगता है कि मसालों का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, मैंने हमेशा ही इसमें खरीदारी की सजेशन दिया है, बिकवाली के लिए मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं किया है। मसालों में हमेशा जो है वो बाइंग की तरफ रहना चाहिए। अभी ऊपरी स्तरों से एक बार जरूर मार्केट फिसले हैं, आज इंट्राडे में हल्की गिरावट आती हुई देखने को मिली है। चाहे वो धनिया हो या फिर जीरा हो या फिर हल्दी, तीनों ही कमोडिटीज में ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर जनरेट हुआ है, लेकिन अगेन बाइंग की रणनीति रखना चाहिए। मुझे काफी पॉजिटिव लगता है यहाँ से मार्केट। धनिया की बात करें तो मेरे हिसाब से 12,500 से लेकर 13,000 इमीडिएट टारगेट रहेगा, और उसके बाद 14,000 से लेकर 15,000 का भी स्तर संभव है धनिया में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात जीरे की करें तो 22,523, जीरे में ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन हाँ अभी यहाँ से करंट लेवल से 1,000 पॉइंट की तेजी यहाँ से भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। और वहीं हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी 7800 से लेकर नीचे में और ऊपर में 8500-8800 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, और ऊपर में 500-700 रुपए की तेजी जो है करंट लेवल से भी देखने को मिल सकती है जी। रूपा जी, अगर गेहूं की बात करें तो जहां सरकार ने एक तरफ गेहूं के निर्यात को मंजूरी दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बता दें कि धान और गेहूं के जो रकबा है उसको बढ़ाने, उसकी बुआई को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहित करने को कहा है राज्यों को। तो आपको क्या लगता है कि जो गेहूं में जैसे कि तेजी देखने को मिल रही है, तो आगे कैसा बाजार देखने को मिल सकता है सरकार के इस फैसले के बाद? देखिए गेहूं में भी अभी फिलहाल जो है वो रुझान जो है वो पॉजिटिव है, और जिस तरीके से अभी निर्यात के ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो इज दिया गया है, ऐसे में जो है एक्सपोर्ट खोल दिया गया है छुटमुट, तो इसका इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे सकता है, और आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि ये तेजी कॉन्टिन्यूशन में बनी रह सकती है। भारत में जो है सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है, और भारत जो है दुनिया के कुल उत्पादन में लगभग 14 से 15% का
जो है योगदान देता है। तो ऐसे में एक बड़ा हिस्सा जो है भारत में भी गेहूं का घरेलू खपत के रूप में यूज किया जाता है, और अभी फिलहाल जो है एक्सपोर्ट जो है जिस तरीके से खोला गया है इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे सकता है, और मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है वो गिरावट की तरफ नहीं है, अभी इन्हीं लेवल्स पर बने रह सकते हैं। जी रूपा जी, अगर बात करें खाद की, तो मॉनसून की चौतरफा बारिश के कारण देश भर के उत्पाद मंडियों में सरसों सीड की जो दैनिक आवक है वो घटकर 2.75 मतलब कि लाख बोरी रह गई है, तो आपको क्या लगता है कि जो खाद्य तेलों का बाजार है वो आगे कैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ विदेशी तेलों में भी 40% तक की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। देखिए पहले भी हमारे जो भारतीय बाजारों में एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी देखने को मिल रही थी वो डोमेस्टिक मार्केट की वजह से आती हुई दिखाई दी थी, और अब जो है जबरदस्त गिरावट जो है न केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिल रही है, और अभी जो है जो भाव पहले आसमान पहुंच चुके थे अब वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी देखा जाए तो सरसों तेल के प्राइसेस जो हैं वो काफी नीचे आ चुके हैं, 160 से 158 रुपए प्रति लीटर पर मार्केट पहुंच गया है जो कभी 200 के पार जा चुका था, तो लेकिन बाजार जो है अभी गिरावट जो है वो बनी रह सकती है, और मुझे लगता है 155 तक भाव नीचे आ सकता है प्रति लीटर का, 155 से 156 तक, और यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर सकता है 155-156 से लेकर 160 तक, तो ये रेंज में फिलहाल बना रह सकता है, अब यहाँ से तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। रूपा जी, अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज में भी गिरावट देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में प्याज अभी भी 1 से 1.5 रुपए प्रति किलो पे बिक रहा है, 4 महीने से वहाँ पे प्याज का यही हाल है, तो आपको क्या लगता है कि प्याज का बाजार आगे उठ सकता है जो, या फिर ये इसी तरीके से आगे जारी रहेगी परेशानी? जहाँ तक प्याज लहसुन की बात है इन कमोडिटीज के अंदर भाव में ऊपरी स्तरों से जरूर गिरावट आई है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि प्याज ने एक बार फिर से किसानों को झटका दिया है, और जिस तरीके से प्राइजेस लुढ़के हैं वो भी अभी कंटिन्यूशन में रह सकते हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि प्रोडक्शन अच्छा खासा है और प्याज का दाम 200 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक जो है वो नीचे लुढ़क चुका है, और कई मंडियों में तो हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है 1 से 1.5 रुपए किलो तक रह गया है, और जबकि प्राइस जो है प्याज की जो लागत ही 1.5 से 2 रुपए आती है, तो अभी उससे भी नीचे प्राइस किसानों को मिल रहा है, तो आगे देखने वाली बात ये होगी कि आगे किसानों का रुझान जो है प्याज की प्रोडक्शन की तरफ कम होता दिखाई देगा, क्योंकि प्याज की एक पेरिशेबल आइटम है और दूसरा इसके प्राइजेस अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, और अभी भी प्राइजेस जो है यहाँ पर संभलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगातार दबाव है और ये दबाव बना रह सकता है, क्योंकि अच्छा खासा प्रोडक्शन अवेलेबल है और अगर फार्मर्स के पास माल भी है तो वो उसको बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से प्याज जो है वो अभी तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है, अगर बांग्लादेश में जिस तरीके से पिछली बार भी हमने देखा था कि एक्सपोर्ट किया गया था, तो उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर एक्सपोर्ट होता है प्याज तो थोड़ी सी प्राइजेस के अंदर उठाव आ सकती है, अदरवाइज प्राइजेस में कोई तेजी बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, और मुझे लगता है कि भाव जो है इन्हीं रेटों में घूमता हुआ दिखाई देगा। ये तो बात थी प्याज की। रूपा जी, एक और कमोडिटी कपास जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इसकी बात करें तो इसकी कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है, और क्योंकि बता दें बुआई लगभग जो है वो 3.8% से बढ़कर 64 लाख हेक्टेयर हो गया है कपास का, तो आपको क्या लगता है कि कपास की में जो ये गिरावट है वो आगे जारी रहेगी या फिर इसमें आगे कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए कॉटन के अंदर लगातार गिरावट है, और मैंने पहले भी बताया था कि ये गिरावट कंटिन्यूशन में रह सकती है, जब कॉटन वायदा में 50,000 के आसपास था तब मैंने बोला था कि ये 40,000 से नीचे लुढ़क सकता है, और आज आप देखिए जुलाई वायदा 40,000 पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट अगस्त वायदा तो 37,000 के घरों में पहुंच चुका है, तो यानी कि कपास में अब जो लेवल बनता दिखाई दे रहा है अगस्त वायदा की भी मैं बात करूं तो 30,000 तक नीचे डाउनसाइड, 28,000 से 30,000 की रेंज बन सकती है, वही डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइजेस जो है वो दबाव में जाते हुए दिखाई देंगे, कपास में तेजी नहीं है, मैंने लगातार यही रिकमेंड किया है कि जिनके पास भी कॉटन रखा है वो उसको निकाल दे, बिनोला खल हो या फिर कॉटन हो, इनमें अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, प्राइजेस नीचे ही है, और अब अगला सीजन कैसा रहेगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, अभी मॉनसून कैसा रहेगा, क्रॉप कैसी रहेगी उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन हाल फिलहाल में इन कमोडिटीज के अंदर गिरावट बनी रह सकती है। जी रूपा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ओवरऑल एग्री कमोडिटी में क्या कुछ करके चले?
देखिए ओवरऑल एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें बिकवाली में रहकर मुनाफा कमाया जा सकता है और कुछ कमोडिटीज में खरीदारी करके मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसा कि स्पाइसेस के अंदर लगातार मैंने बोला है कि इसमें खरीदारी कीजिए और इनमें तेजी बन सकती है। मुझे लगता है कि धनिया जो है वो अच्छा लग रहा है मुझे, अगर करेक्शन आती है तो धनिया में बाय कीजिए, 14,000-15,000 तक ऊपर जा सकता है। वहीं जीरे की बात करें तो जीरे में भी नीचे में एक बार हो सकता है 21,600-21,400 का स्तर मिले तो वहां पर भी रहेगा बाइंग का और ऊपर में 22,500 तक की तेजी बन सकती है। तो ये दो कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें खरीदारी की जा सकती है। अगर स्लोली किसी कमोडिटी में काम करना है तो हल्दी मुझे अच्छी लग रही है, यहाँ पर हल्दी में भी खरीदारी कर सकते हैं 7800 के आसपास और ऊपर में 8500-8800 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बिकवाली की बात करें तो बिनोला खल के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए। बिनोला खल मुझे लगता है 2400 से लेकर 2100 के घरों में नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, 2600-2600 के आसपास इसमें बिकवाली की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। कॉटन में बिकवाली की जा सकती है, कॉटन में जो अगस्त वायदा में बिकवाली करके 30,000 के स्तरों के लिए वेट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये दो कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें बिकवाली की जा सकती है। इसके साथ साथ कैस्टर भी अच्छा लग रहा है, कैस्टर में भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं, 7100 तक कैस्टर में भी स्तर देखने को मिल सकता है। रूपा जी बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी बात नॉन एग्री एग्री कॉमोडिटी की कि किस कॉमोडिटी में आप क्या कुछ करके चले। नॉन एग्री कॉमोडिटी में आप क्रूड में आगे अच्छा कारोबार करके चल सकते हैं कच्चे तेल में, वहीं एग्री कॉमोडिटी की बात करें तो उसमें कपास हो या ग्वार बिनोला खल हो इन सब चीज़ों में आप बिकवाली करके चल सकते हैं, वहीं मसालों में आप अच्छा कारोबार करके चल सकते हैं। तो आज के लिए सिलसिला बाजारों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।